हरियाणा में चुनावों का शोर जोरदार है। सियासी दलों का दांव पेच ताबड़तोड़ है। हरियाणा की हर सीट पर हर दलों की सियासी नजर है। ऐसी ही एक वीवीआईपी सीट है जींद की उचाना कला, जहां से जननायक जनता पार्टी के दिग्गज दुष्यंत चौटाला के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है, जिससे यहां की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। बता दें कि जींद की उचाना कला सीट से हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के खिलाफ कांग्रेस ने पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह पर दांव लगाया है। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी ने इस सीट पर देवेंद्र अत्री को मैदान में उतारा है। ऐसे में इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। दिग्गज नेताओं के इस मुकाबले ने उचाना कला सीट को हॉट सीट बना दिया है। बता दें कि जब बीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए, तब से ही माना जा रहा था कि ब्रजेंद्र सिंह को उचाना कला सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। उचाना कला सीट से मुख्य मुकाबला हमेशा चौधरी देवीलाल के परिवार के बीच ही रहा। उचाना का मुकाबला उनके परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोक रहे ब्रजेंद्र सिंह के पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह 5 बार विधायक रह चुके हैं। वे यहीं से विधायक बनकर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री तक रहे। ऐसे में ब्रजेंद्र सिंह के लिए सियासी जमीन मजबूत नजर आ रही है। हालांकि इस सीट पर परचम लहराकर दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने। 2019 में सीट से दुष्यंत चौटाला ने ब्रजेंद्र सिंह की मां प्रेमलता को हराया था। ऐसे में दुष्यंत चौटाला का भी दबदबा अच्छा खासा है। चलिए एक नजर डालते हैं यहां के राजनीतिक इतिहास पर। अब तक इस सीट पर 10 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। वीरेंद्र सिंह उचाना कला सीट से 5 बार विधायक रहे। 2009 में ओम प्रकाश चौटाला ने वीरेंद्र सिंह को हराया। 2014 में चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता ने दुष्यंत चौटाला को हराया। 2019 में दुष्यंत चौटाला ने बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को हराया। 2019 में तो दुष्यंत चौटाला जीत गए, लेकिन इस बार उनकी राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि लोगों के मन में उनकी एक अलग तरीके की इमेज बन गई है। बता दें कि दुष्यंत बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे हैं। उन्होंने किसान आंदोलन से लेकर पहलवानों के मुद्दे तक बीजेपी का ही साथ दिया। बीजेपी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी का माहौल दुष्यंत के खिलाफ भी जा सकता है। चलिए अब समझते हैं उचाना कला का जातीय समीकरण क्या कहता है। बता दें कि उचाना कला विधानसभा सीट जाट बहुल क्षेत्र है। यहाँ करीब 2,18,000 मतदाता हैं। यहाँ पर अकेले जाट मतदाताओं की संख्या करीब 1,07,000 है। वहीं ब्राह्मण समुदाय से भी करीब 27,000 वोटर्स हैं, जबकि अनुसूचित जाति के करीब 26,000 मतदाता हैं। वहीं करीब 20,000 ओबीसी के वोटर्स हैं। जाति समीकरण पर नजर डालो तो उचाना कला सीट पर दो चौधरियों की लड़ाई में जाट वोट दो हिस्सों में बंट सकता है। ऐसे में ओबीसी और एससी वोटर निर्णायक की भूमिका अदा कर सकते हैं। इस सीट पर दुष्यंत चौटाला और बीरेंद्र सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दुष्यंत या ब्रजेंद्र दोनों में से जो भी हारा, उसके परिवार के राजनीतिक भविष्य पर संकट गहरा सकता है। ऐसे में अगर दोनों चौधरियों की लड़ाई में बीजेपी के देवेंद्र अत्री के पास अपनी नई पहचान बनाने का बड़ा मौका है। बहरहाल आपको क्या लगता है, इस बार चौटाला या चौधरी कौन सा परिवार बाजी मारेगा, या फिर बीजेपी के देवेंद्र अत्री इन दोनों से आगे निकल जाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हरियाणा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.